लुलू हाइपरमार्ट नाम से नया मॉल ओपन हुआ है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। भाई हमारे लिए बिरयानी लेके आया है, वेज वाला बिरयानी। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं भाई भी वेजिटेरियन है। और गेमिंग जोन मुझे लगा सिर्फ किड्स के लिए रहेगा, बट बड़ों के लिए भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज है। एंड बैंगलोर क्या मुझे लगता है कहीं भी आसपास में इतने बड़े इंडोर एक्टिविटीज वाला कोई भी मॉल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बढ़िया इवेंट या फिर ग्रैंड वेडिंग वगैरह कुछ अटेंड करना है, तो सारी शॉपिंग एक ही रूफ के अंदर हो जाएगी। ब्लैक वाटर ये ट्राई करेंगे, विराट कोहली यही पानी देता है, शायद अपने में ऐसी एनर्जी आ जाए पीने के बाद। है सही है, अच्छा है, नॉट बैड। नहीं नहीं करते हो भाई, बहुत ही तगड़ी शॉपिंग होगी मेरी एंड भाई की, सब शॉपिंग मिला के मतलब पूरे बैग्स भर गए। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं हूँ बैंगलोर सिटी में, एंड बैंगलोर में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बट रिसेंटली मैंने सुना है कि यहाँ पे एक नया मॉल ओपन हुआ है। वैसे बैंगलोर में मॉल्स भी बहुत सारे हैं एंड बहुत सारी जगह मैं जा चुका हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला है कि रिसेंटली कुछ महीनों पहले लुलू हाइपरमार्ट नाम से नया मॉल ओपन हुआ है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। तो चलो फटाफट अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं कि ये मॉल जो है बैंगलोर सिटी के बाकी मॉल से कितना डिफरेंट है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। सो गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में बहुत ही बढ़िया कैफे है मेरे लेफ्ट साइड पे, एंड यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है, आपको सामने नाम दिखाई देगा लुलू नाम से हाइपरमार्ट, एंड यहाँ से पूरा शॉपिंग सेक्शन जो है शुरू हो जाता है। राइट साइड पे कल्याण शोरूम है एंड ऊपर का कुछ व्यू इस तरह है, बहुत ही बढ़िया गोल्ड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन शेड में यूज किया गया है। देखते हैं ऊपर क्या क्या है एक्सप्लोर करने लायक। और गाइस यहाँ पे बैंगलोर आने के बाद मैं जिस बंदे को मिलने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, वो बंदा हमको मिल चुका है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। एंड ये रहा मेरा भाई सतीश पुरोहित, जिनको आप पिछले ब्लॉग्स में भी देख चुके, और आज के इस मॉल में मुझे घुमाने वाला है सतीश भाई, और देखेंगे कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, बाकी मॉल से कितना डिफरेंट है। यहाँ पे क्या खासियत है भाई इस मॉल की बताओ जरा, तुम तो पहले भी आ चुके हो। ये नया मॉल है भाई, अभी लुलू हाइपर मार्केट करके। ओके, बहुत अच्छा नया बना हुआ, देखो बहुत बड़ा है यहाँ, देख रहा हूँ तो मैं भी आपके साथ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। पीछे भी आप देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब आउटलेट्स हैं, नायका का शोरूम है एंड बहुत सारे ब्रांड्स भी अंदर देखने को अपने को मिलेंगे। हालांकि अभी फिलहाल कुछ शॉपिंग करने का मूड तो नहीं है, लेकिन इस ब्लॉग में हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे एंड मैं आपको दिखाता हूँ मॉल में और कौन से ब्रांड्स हैं और नया नया क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग प्लान करते हैं यहाँ पे तो सारा डिटेल्स बताऊंगा मैं अपने इस ब्लॉग में। यहाँ से सारे ब्रांड्स शुरू हो जाते हैं, एंड ये है वेरोमोडा, जैक जॉन्स क्लोथिंग ब्रांड्स सामने हैं, वहाँ पे बॉडी शॉप है, परफ्यूम शॉप्स है, शूज़ के सारे ब्रांड्स है, नाइस। आपको यहाँ पे बैंगलोर सिटी में आने का एक ही फायदा है कि जो सारे जो ब्रांड्स है बाकी शहर में आपको देखने को नहीं मिलते, वो सारे आउटलेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं एंड बहुत ही बढ़िया शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बढ़िया इवेंट या फिर ग्रैंड वेडिंग वगैरह कुछ अटेंड करना है, तो सारी शॉपिंग एक ही रूफ के अंदर हो जाएगी। थर्ड फ्लोर पे मैंने चक्कर काटा और नोटिस किया कि जितने भी वर्ल्ड के फेमस ब्रांड्स हैं शूज रिलेटेड एंड क्लॉथिंग के रिलेटेड, सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड आपको मतलब तगड़ा शॉपिंग करने का मतलब क्रेज है तो ये मॉल आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएगी। फिलहाल मैंने तो बोल दिया है कि शॉपिंग का कुछ प्लान नहीं है, बस एक्सप्लोर करने आए, सो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। एंड इसके ऊपर शायद फूड गैलरी है तो वहाँ पे भी जाएंगे, देखेंगे।
भाई यहाँ पे कुछ शूज का शॉपिंग कर रहा है और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज है। मेरा कोई प्लान नहीं था लेकिन ये वाला जो जैकेट है ऑरेंज स्ट्रिप्स के साथ ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सो मुझे लगता है इसको ट्राई करना चाहिए। एंड इसके साथ एक जींस मुझे अच्छा लगा है तो इसको भी ट्राई करेंगे एंड देखेंगे अगर अच्छा लगा तो दोनों भी राइट परचेज करेंगे। तो ये वाला जो जींस है फाइनली पहन लिया एंड फिटिंग तो कसम से बोलता हूँ जैसे मैंने सोचा उससे भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो ये वाला तो डन कर दिया। एंड अभी कुछ ऐसा लुक आ रहा है, ये फ्रंट लुक है एंड दिस इज अ साइड लुक। अब नई नई करते हुए सिर्फ दो चीजें मैंने ले ली है, एक जैकेट एंड ये वाला जींस। तो चलो बिलिंग ऑर्डर पे मिलते हैं। बहुत ही तगड़ी शॉपिंग होगी मेरी एंड भाई की, सब शॉपिंग मिला के मतलब पूरे बैग्स भर गए। अभी अपन ऊपर चलते हैं और देखते हैं। सो फाइनली बाहर आ चुके, अच्छी खासी शॉपिंग हो गई। अभी मैं हूँ थर्ड फ्लोर पे, इसके ऊपर भी अपन जाएंगे। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था शॉपिंग करने का, लेकिन यहाँ पे आओ और इतने सारे वैरायटीज देखो और शॉपिंग ना करो तो मॉल बुरा मान जाएगा, तो शॉपिंग करनी पड़ी। एंड अभी ऊपर चलते हैं एंड ऊपर भी देखते हैं। ऊपर गेमिंग जोन रहेगा, मैंने सुना है, कभी गया नहीं हूँ, गेमिंग जोन है, उसके बाद फूड गैलरी है, कुछ खाने पीने के चार्ट सेंटर्स वगैरह रहेंगे। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। वहाँ पे वॉ मोमोज का आउटलेट है एंड यहाँ पे बास्किन रैबिन्स एंड आगे बहुत सारे वैरायटी रहेंगे। टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रश है क्योंकि खाने पीने की जो सारी चीजें हैं इस फ्लोर पे मिलती है एंड पूरा 80% क्राउड जो है यहाँ पे है। इतना सारा शोर है यहाँ पे, मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है या पता नहीं। तो अभी मैंने चाट्स एंड आलू परोठा वगैरह मैंने कैलाश पर्वत में ऑर्डर दिया है। रेट्स मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगे बट जिस हिसाब से मॉल को मेंटेन किया है मुझे लगता है क्वालिटी भी उस हिसाब से रहेगी, सो लेट्स ट्राई। भाई हमारे लिए बिरयानी लेके आया है, वेज वाला बिरयानी। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, भाई भी वेजिटेरियन है, राइट? तो मेरा कहना मतलब है हम दोनों वेजिटेरियन हैं, तो पहले वेज बिरयानी ट्राई करेंगे, उसके बाद दो तीन डिशेज और भी बताया है आ जाएंगे। है सही है, अच्छा है, नॉट बैड, मतलब जो प्राइस पे किया वो हिसाब से क्वालिटी भी है। और एक बाइट लूंगा मैं। अरे वाह, इसमें पनीर भी है, कैलाश सागर का भाई है। अच्छा, वैसे शेवपुरी तो मुझे नॉर्मल जो चाट सेंटर पे मिलती है उसी टाइप की लगी, बट इसके ऊपर स्टफिंग वगैरह थोड़ा ज्यादा है, उस तरह से बड़ा बाइट था बट इक्वली गुड। अरे भाई क्या बात है, छोले साइज तो देखो पूरे 10 इंच के हैं। और क्या लाया भाई? ये वाला पूरा मिक्स प्लेट है, इसमें शेवपुरी सारे चाट के एंड ये है पराठा, आलू पराठा। तो भाई बड़ा वाट चेक करेंगे, चेक नहीं खाएंगे, खाएंगे। तो ये वाला है पूरा चाट का मतलब भंडार कह सकते हैं, सारे वैरायटी देखी में डाल दिया है। और हमने दही पूरी मंगाई थी क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो हमने सोचा ये वाली चीज बॉडी को थोड़ा चिल्ड करेगी। दही पूरी जो है शेवपुरी से थोड़ा ज्यादा टेस्टी लगा मुझे, इसमें दही एंड उसके अंदर जो मसाले डाले चाट मसाले उस वजह से अच्छा लगा। इतने सारे फूड आइटम्स ट्राई करने के बाद मेरा जो पेट है पूरा भर चुका है। अभी यहाँ पे मैंने सुना है इसी फ्लोर पे गेमिंग जोन है, वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर रहेगा, बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वहाँ के नज़ारे आपको मैं अंदर चल के दिखा देता हूँ।
ब्लैक वाटर ये ट्राई करेंगे, विराट कोहली यही पानी पीता है, शायद अपने में ऐसी एनर्जी आ जाए पीने के बाद। लेट्स ट्राई। तो अब हम बाहर आ चुके हैं एंड बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, यहाँ पे पूरा ब्रांडिंग है, यहाँ पे बड़ा स्क्रीन लगाया हुआ है, आराम से यहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय कर सकते हैं फ्रेश हवा के साथ। स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है वो प्ले होता रहता है, एड्स एंड ऑल समथिंग, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, राइट। सो गाइस फाइनली हम लोग बाहर आ गए, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। ये जो मॉल है राजा जी नगर एरिया में है, अगर आपको आना है तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली गूगल पे सर्च करके भी आ सकते हैं। और दूसरी बात, 8 लाख स्क्वायर फीट में मॉल को बनाया गया है, मतलब बिगेस्ट मॉल इन बैंगलोर कह सकते हैं, जिसमें 60,000 स्क्वायर फीट सिर्फ गेमिंग जोन है। और गेमिंग जोन मुझे लगा सिर्फ किड्स के लिए रहेगा, बट बड़ों के लिए भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। एंड बैंगलोर क्या, मुझे लगता है कहीं भी आसपास में इतने बड़े इंडोर एक्टिविटीज़ वाला कोई भी मॉल आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बढ़िया रहा एंड शॉपिंग भी बहुत ही बढ़िया, तगड़ी वाली कर ली, जैकेट एंड जीन्स वगैरह ले लिया। एंड मॉल का इंटीरियर वगैरह बहुत ही सुपर्ब है, आप लोगों को विजिट करना चाहिए रहा। आई होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आप बैंगलोर में आ जाए तो इस मॉल पे विजिट करना मत भूलिएगा। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ऑसम वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।